थोड़ा सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं इसको। पहले पहले मैं यहाँ स्टडी करता हूँ C1 की। C1 बड़ा सिंपल है, हमको रीडिंग निकालनी है इसकी। तो रीडिंग जब भी निकालते हैं तो रीडिंग निकालने का तरीका क्या होता है, लीस्ट काउंट निकालते हैं। लीस्ट काउंट का फॉर्मूला होता है 1 MHD माइनस 1 VHD। इसके लिए 1 MHD तो हमको पता ही है, 1 सेंटीमीटर को डिवाइड किया गया 10 पार्ट में, दैट इज 0.1। सेंटीमीटर हमारे यहाँ पे सारे आंसर दिए गए सेंटीमीटर में दिए गए, ठीक है, 2 पॉइंट सब सेंटीमीटर में ही है, सेंटीमीटर में रखते हैं। दूसरी बात यहाँ बोली गई है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू है 9 मेन स्केल डिवीजन के। दिस इंप्लाइज दैट 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, 9/10 मेन स्केल डिवीजन। दिस इंप्लाइज दैट 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 0.9 MHD। क्लियर? देयरफॉर लीस्ट काउंट क्या हो जाएगा, 1 MHD, दैट इज 0.1 सेंटीमीटर माइनस 0.9 MHD। MHD कितना है, 0.1 है ना, 0.09 सेंटीमीटर, क्योंकि 0.1 से मल्टीप्लाई किया, ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 0.01 सेंटीमीटर। ये हमारा लीस्ट काउंट आ गया। अब रीडिंग क्या हो जाएगी, रीडिंग हमारी हो जाएगी, ये वर्नियर का जीरो किसके बाद आ रहा है, 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, 2.8 के बाद आ रहा है। तो हमारा फॉर्मूला क्या था, याद है हमारा फॉर्मूला था इसके लिए, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग इनटू LC। हमारी रीडिंग क्या हो जाएगी, MSR कितना हो गया, 2.8 सेंटीमीटर प्लस वर्नियर स्केल डिवीजन कोइंसाइडिंग कितना है यहाँ पे, ये 6 और ये 7, 7 क्लियरली दिख रहा है यहाँ पे, प्लस 7 इंटू लीस्ट काउंट। लीस्ट काउंट कितना है, 0.01 सेंटीमीटर। रीडिंग हो जाएगी 2.87 सेंटीमीटर। हालांकि ये जो हमारा जो स्केल है ना, ये स्टैंडर्ड है, इसको निकालने में कहीं कोई दिक्कत नहीं आई, बिल्कुल बेसिक था, ठीक है। अब बात आता है वर्नियर कैलिपर नंबर 2 का, इसको मैं इरेज कर देता हूँ, ठीक है, ये सब मैंने नोट कर लिया, इसका आंसर याद कर लेंगे कि भाई 2.87 है। 2.87 हमको कितनी जगह दिख रहा है, 1, 2 और ये 3 फर्स्ट का। अब 3 है तो तीनों में से तीनों ऑप्शन तो सही हो नहीं सकते हैं, तो हमको दूसरे का भी निकालना पड़ेगा ना, तभी हम जाकर के निकाल सकते हैं। तो अब इसको मैं इरेज करता हूं, अब सेकेंड पार्ट पे आते हैं, C2। याद रखना ये जो C2 वाला जो क्वेश्चन है ना, ये वही सॉल्व कर सकता है जिसको वर्नियर कैलिपर का बिल्कुल बेसिक से आता होगा। याद रखना अधिकतर बुक्स जो है ना वर्नियर कैलिपर को हमेशा ऊपर ऊपर से पढ़ा देती है, बेसिक में नहीं बताती, एकदम कोर पार्ट। और ये वाला सवाल जो आ चुका हुआ एडवांस में, इसके लिए रिक्वायरमेंट है कि हमको वो कोर कंसेप्ट आना चाहिए। और मैंने तुम्हें कोर कंसेप्ट सिखाया था, मैंने तुम्हें कोर कंसेप्ट में क्या सिखाया था याद करो, पहले मैं वो कंसेप्ट को रिवाइज करवा देता हूँ। ये हमारा था मेन स्केल और ये हमारा था वर्नियर स्केल। यहां पे आया 1, 2, 3, ठीक है, 4, 5, 6, 7, ये ऐसा था, ये मेन स्केल था, ये 1 1 mm का, ये 7 mm हो गया, ठीक है। यहां पे
और क्या बोला गया कि इसका एक डिवीजन यहाँ पे, दूसरा यहाँ पे, तीसरा यहाँ पे और चौथा जो है ना इसके साथ बिल्कुल कॉन्साइड करता है। वर्नियर का फर्स्ट डिवीजन, वर्नियर का इसको मैं अलग इनसे दिखाता हूं, वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स और ये सेवन, ठीक है। और वर्नियर का डिवीजन मैं दिखाया था रेड से, वन टू थ्री और ये फोर, फोर्थ वाला डिवीजन जो बिल्कुल से कॉन्साइड कर रहा है, ठीक है, आगे भी डिवीजन होंगे, फोर्थ वाला बिल्कुल से कॉन्साइड कर रहा है वर्नियर का, किसके साथ, मेन स्केल के सेवंथ के साथ। अगर हमने यहां पे एक रॉड को रखी ऐसे तो हमने लेंथ कैसे नापा था, हमने बोला कि ये लेंथ कितनी हो जाएगी यहां से यहां तक की 7 mm, और मिसे हम क्या करेंगे ये लेंथ को सब्ट्रैक्ट कर देंगे। अगर यहां पे हमारे पास अगर था इसका क्या कहते हैं हम, इसका मेन स्केल डिवीजन था हमारा यहाँ पे 1 mm का था और 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितने का था 0.9 mm का था। एक वर्नियर स्केल डिवीजन कितने का था, मेन स्केल डिवीजन 1 mm का, 0.9 का, बिकॉज हमारा स्टैंडर्ड स्केल में क्या था 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 9 मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन 1 mm है, वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा 0.9 mm, ये हमारा स्टैंडर्ड स्केल का था। अब यहां पे क्या देखा गया कि अगर मुझसे बोला गया कि इसकी लेंथ क्या होगी तो मैंने क्या बोला कि इसकी लेंथ निकालनी है, तो इसकी लेंथ ये वाली पार्ट हो जाएगी, और ये कैसे निकालेंगे, ये हो जाएगा 7 mm, ठीक है, माइनस ये लेंथ, ये लेंथ कितनी है तो 4 वर्नियर स्केल डिवीजन की ना, माइनस 4 दैट इज 7 mm, मतलब क्या हो गया 7 mm को मैं लिख सकता हूं 7 × 1 मेन स्केल डिवीजन जो कि 1 mm है, माइनस 4 × 1 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये इसको मैं लिख सकता हूं 7 को मैं लिख सकता हूं 4 या 3 मेन स्केल डिवीजन प्लस 4 वर्नियर स्केल डिवीजन, 4 मेन स्केल डिवीजन और मेन स्केल डिवीजन माइनस 4 वर्नियर स्केल डिवीजन, ये हो जाएगा 3 मेन स्केल डिवीजन प्लस 4 कॉमन ले लो MHD माइनस 4 VHD, ये हो जाएगा 3 MHD प्लस 4 MHD माइनस VHD, क्या था लीस्ट काउंट था ना, तो 4 × लीस्ट काउंट, ठीक है। अब देखो तो ये 3 क्या हो गया, वो डिवीजन जो कि वर्नियर के 0 के जस्ट पहले आ रहा है, 4 यहां पे क्या हो गया, 4 यहां पे हमारा हो गया वो डिवीजन जो कि कॉन्साइड कर रहा है लीस्ट काउंट का, और ये लीस्ट ठीक है जो कॉन्साइड कर रहा है मेन स्केल के साथ वर्नियर का, वो 4 क्या हो गया वो डिवीजन वर्नियर का जो कॉन्साइड कर रहा है, और ये ऐसी हमारा जो बेसिक फॉर्मूला था हमने इसी का शॉर्टकट में तो यूज करते थे, खाली डिवीजन पहले देख लिया कौन सा कॉन्साइड किया उसको लीस्ट काउंट से मल्टीप्लाई कर दिया ऐड कर दिया। पता है कितनी बार ऐसा होता है कि कितनी बार ऐसा होता है कि बच्चे भूल ही जाते हैं इस चीज को कि इतने शॉर्टकट मेथड में भूल जाते हैं कि ये मेथड आया कहाँ से था, ये मेथड तो यहां से आया, तो ये वाला मेथड कहां से आया, यहां से आया।
ये भूलना नहीं है तुमको, याद रखना आईआईटी में वो वैसा सवाल पूछते हैं जो बिल्कुल बेस बेस को टच करता, और ये बेस चीज होगी। 99% बच्चों को पता नहीं होगा ये लॉजिक जो लिखते हैं पहले वाला यूज करते हैं, प्लस डिवीजन कोएफिशिएंट इनटू लीस्ट काउंट करते हैं, ये कैसे कहां से आया, ये इसका पूरा लॉजिक बेस माइनस दिस। क्लियर होगी बात? ये कंसेप्ट अपने आप में कोर कंसेप्ट है, ठीक है। यहीं से वर्नियर कैलिपर की को जो मेजर किया जाता है ना, यहीं से वो चीज आती है। अब हम आते हैं अपने क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में अगर देखा जाए तो यहां पर अगर मैं इस क्वेश्चन को पार्ट बी को सॉल्व करने बैठू, ठीक है, पार्ट बी को अगर मैं सॉल्व करने बैठू और मैं अपने वो जो रटी रटाई चीज है अगर उसको यूज करूं, तो मैं क्या देखूंगा कि 3 के पहले कौन सा डिवीजन है, तो 2.5, 2.6, 2.7, 2.8, ठीक है, तो लिखा 2.8। अगर मैं रटी रटाई चीज को यूज करूं तो क्या होगा, प्लस कौन सा डिवीजन कौन साइड कर रहा है, तो मैंने बोला ये वाला 7 वाला कर रहा है, प्लस 7 इंटू लीस्ट काउंट करेंगे, लीस्ट काउंट हमारा क्या था, 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 ईयर स्केल डिवीजन, 1 मेन स्केल डिवीजन हमारा कितना होगा यहाँ पे 1 mm का होगा, या तो लिखा हुआ है ना कि दोनों स्केल में 1 सेंटीमीटर को डिवाइड कर दिया कि 10 इक्वल डिवीजन ऑन द मेन स्केल, दोनों स्केल की कहानी है। लेकिन अब जरा यहाँ देखो तो यहाँ पे क्या बताया गया, यहाँ बोला गया है कि वर्नियर स्केल कैलिपर हैज 10 इक्वल डिवीजन दैट कॉरेस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिवीजन। समझना इस चीज को यहाँ पे तुम्हें, मतलब कि ये क्वेश्चन जो है ना मैंने आईआईटी से पहले कहीं देखा ही नहीं था, तो जो क्या दिमाग लगाया होगा बंदे ने कि 10 इक्वल डिवीजन है दैट कॉरेस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिवीजन, मतलब उसका ये कहना है कि 10 VHD इक्वल्स टू 11 MHD, देखो 10 वर्नियर कॉरेस्पॉन्ड टू 11 मेन स्केल डिवीजन, तो मैंने बोला 1 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू 11 बाय 10 मेन स्केल डिवीजन, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, दैट इज 1.1 इनटू मेन स्केल कितना है 1 mm है ना, दैट इज 1.1 mm। अब लीस्ट काउंट निकालने जाएंगे तो लीस्ट काउंट का फॉर्मूला था 1 मेन स्केल डिवीजन, मेन स्केल डिवीजन कितना 1 mm है, माइनस वर्नियर स्केल डिवीजन कितना है 1.1 mm है। ओहो आंसर तो नेगेटिव आ गया, और नेगेटिव कैसे पुट करोगे यहां पे, ठीक है, आंसर तो नेगेटिव आ गया, तो नेगेटिव कैसे पॉसिबल हो सकता है, तो यानी कि जो हमारा जो बेसिक मेथड था ना ये वाला, ठीक है, जो हम फटाफट ऐड कर लेते थे बेस वाले खाली रटी रटी रटाई चीज को, तो यहाँ पे आकर के फेल कर जाता है, ठीक है। अगर वो यहाँ पे आके फेल कर जाता है तो हमें कहाँ पे जाना पड़ेगा, हमको बिल्कुल बेस पे जाना पड़ेगा, एकदम कोर पे, हम कहते हैं ना हमको गड्ढे में जाना पड़ेगा एक बार, ठीक है। अब देखो गड्ढे में कैसे जाते हैं, अब देखो अब हम करते क्या है, जो हमने मेथड सीख के रखा ना ये वाला मेथड, मैंने पता रिपीट किया, क्योंकि मुझे तुमको यही से इसका कोर पार्ट समझाना है। देखो यहां पर अगर मैं बोलूं मुझे इसकी ये जो लेंथ निकालनी है, ठीक है, लेंथ मैं कैसे निकालूंगा इसकी, यहां पर देखो यहां पे कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट को फंसाया गया होगा, ठीक है, ऑब्जेक्ट के फंसा होगा। हम क्या करते हैं, सोचो कौन सा डिवीजन कौन सा कर रहा है, ये वाला कर रहा है। अगर हमने यहां से अगर ऑब्जेक्ट की एक जॉ था, अगर मैंने यहां तक की डिस्टेंस को नाप लिया, यहां तक कि जहां पे कौन सा कर रहा है,
और मैंने उसमें से अगर ये वाला पार्ट को अगर सब्ट्रैक्ट कर दिया, ये वाले पार्ट को, कहां से मैंने सब्ट्रैक्ट किया ये देखो, ये मैंने इतने पार्ट को यहां से पूरे में से एक जॉ कहीं पे होगा ना, यहाँ पे फर्स्ट जॉ यहाँ ऑब्जेक्ट फंसा होगा, ठीक है, और कहां तक फंसा होगा ये, यहां पे दूसरा जॉ होता है, ये ऑब्जेक्ट यहां पे ऐसा प्लेस्ड होगा ना, तो थोड़ी सी और मैं क्लैरिटी देता हूं, तो यहां पे हमारा कहीं ना कहीं ऑब्जेक्ट फंसा होगा, फर्स्ट जॉ होगा और यहां तक की वो एक्सटेंड किया, ये हमारा ऑब्जेक्ट की लेंथ है। एंड ये लेंथ कैसे निकालेंगे हम लोग, यहां से हमने ये जो है ना पार्ट, इसमें से हमने इतना वाला पार्ट हमने माइनस कर दिया, अगर ये वाला पार्ट अगर मैंने माइनस कर दिया इतने में से, ये वाला पार्ट, ठीक है, तो मुझे ऑब्वियस बात है ये पार्ट मिल जाएगा, एंड दिस पार्ट इज ऑनली दिस ना, जो रॉड होगी, अब देखो तो यहां से लेकर के यहां तक की लेंथ कितनी होगी, ये लेंथ हो जाएगी, देखो तो मेन स्केल की लेंथ कितनी है, 3.7 सेंटीमीटर, ये यहां से लेकर के यहां तक की 3.7 है ना, देखो क्योंकि तो ये क्या 3.1, 3.2, 3.3, 3.4, 3.5, 3.6 सही है, ठीक है, हाँ ये 3.6 वाला कौन सेट कर रहा है, माइनस ये लेंथ मुझे सब्ट्रैक्ट करनी है, ये वर्नियर की जो लेंथ है यहां से, अब देखो ये लेंथ कितनी हो जाएगी, ये 7 डिवीजन है वर्नियर स्केल का, माइनस 7 इंटू वर्नियर स्केल डिवीजन, अब यहां पे हमको पता है कि 10 वर्नियर स्केल डिवीजन इक्वल्स टू है 11 मेन स्केल डिवीजन के, दैट इज 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा, 11/10 दैट इज 1.1 मेन स्केल डिवीजन, 1 वर्नियर स्केल डिवीजन कितना हो जाएगा 1.1 इनटू, अब देखो तो मेन स्केल डिवीजन कितना है, मेन स्केल डिवीजन तो हमारा 0.1 है ना सेंटीमीटर, तो ये 1 आ जाएगा, दैट इज ये कितना हो जाएगा, ये 0.11 सेंटीमीटर, तो यहां पे क्या लिखेंगे 3.6 माइनस 7 इनटू 0.11 हो जाएगा 0.77 सेंटीमीटर, ठीक है, सो अगर मैं इसको यहाँ पे ये मुझे आंसर मिल जाएगा ना, बिकॉज 1 वर्नियर स्केल डिवीजन यहाँ से निकाला हमने, वो 0.11 आ रहा है, ये देख सकते हो आप, अब यहाँ पे हमने क्या किया, ये हमारा 3.6 माइनस 0.77 हो गया, जब इसको माइनस कर देंगे तो 3.60 0.77, 10 माइनस 7 3, 5 माइनस 7 8 हो जाएगा, और यहाँ पे जाएगा 2.83 सेंटीमीटर, तो 2.83 देखो 2.87 पहले का आंसर आया था और दूसरे का आ रहा 2.83, ये ब्लैक में मतलब ये आंसर सही है, ठीक है, दिस इज आवर, ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया, बेसिक कंसेप्ट क्या ध्यान रखना है, और यहां से लेकर के यहां की लेंथ माइनस यहां से लेकर यहां की लेंथ करेंगे तो हमको ये मिल जाएगा, एकदम कोर पार्ट में जाना है क्योंकि तो यहाँ पे लीस्ट काउंट नेगेटिव आ रहा है, तो नेगेटिव लीस्ट काउंट तो हो नहीं सकता है, तो हम वो मेथड नहीं यूज कर सकते, हमको कहाँ पे जाना है, बिल्कुल कोर पे जाना है, ठीक है, आई होप सबको समझ में आ गया होगा, ठीक है, थैंक यू।